की करेंगे शुरुआत। और सबसे पहले बड़ी खबर की बात, रायपुर से बड़ी खबर, आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू और सौमिया चौरसिया के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई है। ईओडब्ल्यू की टीम छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड के कुल 17 ठिकानों पर छापे मार रही। समीर बिश्नोई के राजस्थान, सौमिया चौरसिया के बेंगलुरु और रानू के झारखंड के ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई अभी भी जारी है, इस बात की जानकारी निकलकर आ रही है। और दुर्ग की बात करेंगे, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारा है। होटल व्यवसायी के घर पर यह छापे की कार्रवाई की गई है और यह छापा सुबह से जारी है। सुबह से यह टीम यहां पर जांच कर रही है, ईओडब्ल्यू की टीम जांच कर रही है, एसीबी की टीम जांच कर रही है। नेहरू नगर ईस्ट में होटल व्यवसायी का घर बताया जाता है, अनिल पाठक का घर है और पाठक के घर और होटल में जांच की जा रही है। वहीं कोरबा से बड़ी खबर बता दें, ठेकेदार के घर पर भी एसीबी का छापा पड़ा है। ठेकेदार एमएम पटेल के निवास पर यह कार्रवाई की गई है। निलंबित राज्य प्रशासनिक अधिकारी सौम्या चौरसिया के ये रिश्तेदार बताए जाते हैं, जिनके घर पर यह छापे की कार्रवाई, पटेल के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित घर पर यह कार्रवाई हो रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो की 10 सदस्यीय टीम यहां पर दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रांसपोर्ट नगर में, जहां पर राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी, निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया के रिश्तेदार जो है उसकी बहन के निवास में यहां पर एसीबी की टीम ने छापा मारा है। आप देख सकते हैं कि यहां जो टीम है 10 सदस्य टीम वो छापामार कार्रवाई कर रही है और बताया जा रहा है कि जो सौम्या चौरसिया की जो छोटी बहन है वो शादी होकर इस घर में आई है और यहां जो है टीम जो है सुबह से ही ये कार्रवाई कर रही है और दस्तावेज खंगाल रही है। ये भी बताया जा रहा है कि दोनों बहन और जो हस्बैंड है उनके, वो दोनों बाहर यहाँ रहते हैं और ये जो छापेमार जो कार्रवाई है वो संपत्ति से जुड़ा मामला है और ऐसे अधिक संपत्ति से जुड़ा मामला है, इसको लेकर जो टीम है वो लगातार यहाँ पर घर में खंगाल रही है और टीम के जो 10 सदस्य सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार छानबीन पड़ताल कर रहे हैं और यहाँ से अंदर से कोई बाहर किसी नहीं निकलने दिया जा रहा है और बाहर से किसी लोगों को भी बाहरी लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि एसीबी की इस छापेमार कार्रवाई में क्या निकलकर सामने आता है। और रायपुर से आकाश शुक्ला हमारे संवाददाता इन सारी खबरों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूरा अपडेट ले लेते हैं। आकाश, ये तीनों जगह पर जो छापेमारी चल रही है पूरा अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, पूर्व सरकार में जो ये आईएएस अधिकारियों ने अनियमितता की थी आय से अधिक संपत्ति मामले में, इन पर कार्रवाई हो रही है। पहले से ये जेल में है कई घोटाले और आय से अधिक संपत्ति मामले में, इनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आईएएस निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और राज्य प्रशासनिक सेवा की सौम्या चौरसिया, तीनों के ठिकानों पर अलग अलग छापेमारी जो है एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है। राजस्थान, झारखंड, बेंगलोर में छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही जो है भिलाई, कोरबा, रायगढ़ समेत जो अन्य ठिकाने हैं वहां भी छापेमारी कर रही है। बता दें कि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने 20 टीम जो संयुक्त रूप से बनाई गई थी, इसमें से जो है 16 टीमें छत्तीसगढ़ में जबकि 4 टीमें अन्य प्रदेशों में, वो छापेमारी की कार्रवाई की जा कर रही, जो अलग अलग दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही जो इनके परिजन है उनसे पूछताछ की जा रही है। पहले भी जो छापेमारी की गई थी उसमें बहुत सारे जो दस्तावेज थे वो मिले थे, इसके साथ ही जो है पूछताछ करने के बाद और छापेमारी लगातार की जा रही है। और इसमें कहा यह भी जा रहा है कि बड़े सबूत मिले हैं, हालांकि इसमें जो है मैनेजमेंट एसीबी और ईओडब्ल्यू ने आधिकारिक रूप से किसी तरीके से बयान अभी नहीं आया है, लेकिन कई अहम दस्तावेज मिलने की जानकारी अभी मिल रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई जगहों पर कार्रवाई चल रही है और नजर आप लगातार बना के रखिएगा। बड़ी खबर की एक और बात करते हैं, चरण दास महंत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। अब तो चरण दास महंत ने ही अपनी पार्टी पर सवाल उठाए हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस में फूट
हार की वजह बनी। महंत ने अपने ही नेताओं पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ा, संगठन में बदलाव की जरूरत भी वे बता रहे हैं। जाते हैं तो विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण में आता है कि इस कारण हारे हैं, तो उन कारणों को दूर करने के लिए निश्चित रूप से हर जगह हर प्रदेश में परिवर्तन होते हैं, वो यहाँ भी होंगे, वो स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, इसमें तो कोई विशेष चिंता के। संवाददाता बिलासपुर से जुड़े हुए हैं उमेश, यहाँ पर भी परिवर्तन होंगे क्योंकि जब हार की समीक्षा की जाती है तो फिर परिवर्तन की जरूरत होती है, तो होता है अन्य राज्यों में, होता है यहाँ पर भी होगा, लेकिन परिवर्तन में क्या चाहते हैं महंत? देखिए, चरणदास महंत वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, और निश्चित रूप से उन्होंने एक जो बड़ा बयान दिया है, उन्होंने ये कह दिया है कि पार्टी में कहीं ना कहीं जो फूट पड़ी थी उसकी वजह से जो है विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, और ये फूट एकजुटता न होना कहीं ना कहीं ये खामियाजा जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ा, और यही वजह है कि आज सत्ता से जो है कांग्रेस बाहर हो गई है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में एकजुटता के साथ वो हर चुनाव को लड़ेंगे ताकि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जो समीक्षा की गई है, हार की जो समीक्षा की गई है, उसमें कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बदलाव की जरूरत है संगठन में, और जब तक के बदलाव नहीं होगा तो संगठन के भीतर जो खेमेबाजी है कहीं ना कहीं उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि उन्होंने इशारे में यह भी कह दिया है कि सत्ता में बदलाव की, संगठन में बदलाव की जरूरत है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से जो है चरणदास महान के इस बयान को अब कांग्रेस लेती है, चूंकि कांग्रेस नेता चरणदास महान काफी सीनियर लीडर है और उनके इस बयान के बाद से लगातार जो है अब किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आती है अन्य जो कांग्रेस नेता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि उनके बयान के बाद से अब बवाल मचना स्वाभाविक है कांग्रेस के खेमे में। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बयान के बाद बवाल स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस में मच सकता है, हालांकि इसके पहले भी आपको याद होगा कि प्रदेश अध्यक्ष कौन हो इसको लेकर तमाम तरीके से जिम्मेदारी लेने की बातें सामने आ चुकी हैं। जांजगीर चांपा में रेप के बाद मर्डर की आशंका जताई गई है, संदिग्ध हालत में दरअसल एक महिला की लाश बरामद की गई है, सड़क के किनारे झाड़ियों में महिला का शव मिला है। अकलतरा के खोंड रोड पर वारदात हुई है, मामले की जांच पुलिस कर रही है। जांजगीर का ये मामला है जहां पर एक महिला की लाश बरामद की गई है, और पुलिस अब इस मामले को इस तरीके से मानकर चल रही है कि पहले महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद महिला की जान ले ली गई। कैलाश कश्यप हमारे संवाददाता जांजगीर चांपा से जुड़े हुए हैं। कैलाश, क्या जानकारी इस मामले में पुलिस की छानबीन में अभी तक निकल कर आई है? जी, लगातार जो पुलिस जो है मामले के जानकारी के बाद वहाँ पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे हुए थे और इसकी जानकारी जो है इकट्ठा की गई, जिस पर उस महिला की जो है जानकारी प्राप्त हो गई है। पहले तो अज्ञात थी, फिर बाद में जानकारी मिली कि वो सुखमणि अहिरवार नाम की 55 वर्षीय अरहर महिला थी, जो थोड़ा सा मानसिक विकृति थी, वो कमजोर थी उनकी जो है समझ जो है, और लगातार कई दिनों वैसी वो शाम को निकल जाती थी, इसे लिए वो गांव के जो है वो उनके परिजन जो है खोज भी नहीं किया, और बाद में जब सूचना पर पता चला कि वो झाड़ियों पर लाश फेंका गया है और वो अर्धनग्न स्थिति में मिले, उनके कुछ गुप्तांगों पर कृत्य भी देखा गया है, कुछ लकड़ी का नुमा भी जो है वार किया गया है, तो जिससे हत्या के पहले जो है दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। साथ में वो हत्या की संदिग्ध जो आरोपी है उनको पुलिस अपने हिरासत में लेकर जो है पूछताछ कर रही है, साथ में जो है प्रथम दृष्टया हत्या ही लग रही है और पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। तो संदिग्ध आरोपी भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ये भी कैलाश जानकारी दे रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हिरासत में ले लिए गए हैं, गिरफ्तार नहीं किए गए, हिरासत में लिए गए हैं,
और पूछताछ उनसे की जा रही है। महिला की शिनाख्त भी अब कर ली गई है। इधर गरियाबंद में युवक की बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। डंडों से पीट पीट कर युवक की जान ले ली गई और तीन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी फरार है, पुलिस तो इनकी तलाश में जुटी हुई है। राजन के तरी घाट गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक की जान ले ली गई, डंडों से पीट पीट कर उसकी हत्या की गई और तीन लोग इस वारदात को अंजाम देने के पीछे बताए जाते हैं। तीनों फरार हैं, उनकी पुलिस तलाश कर रही है। राजिम के तरी घाट गांव का यह पूरा मामला है। हालांकि ये अभी क्यों ये हत्या की वारदात की गई, क्यों पीटा गया, अभी यह जांच होना बाकी है। हालांकि क्या वजह इस मामले में सामने आई, शेख इमरान संवाददाता गरियाबंद से जुड़े हुए हैं। शेख बताइए। जी देखिए, पूरा मामला जो है राजिम थाना क्षेत्र के तरीघाट का है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर तीन युवक जो है मृतक एक कुमार साहू तरीघाट का रहने वाले से विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों लोग जो है डंडे से पीट पीट कर बेरहमी से इन्हें हत्या कर दिया। दरअसल गांव में जब इन्हें डंडे से मारा गया तब ये युवक घायल हो गया और इसे जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया राजिम, जहां डॉक्टरों ने जांच कर इसे मृत घोषित कर दिया और वहां उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही तीनों आरोपी फरार है। राजिम पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ये वारदात कैसे हुई और किस क्यों इसे मार पीटा गया ये अभी जांच का विषय है। राजिम पुलिस हर एक बारीकी से इस घटना की जांच कर रही है और इस हादसे के बाद से ही गांव में अफरा तफरी का माहौल रह गया, क्योंकि काफी ज्यादा विवाद और डंडे से पीट पीट कर मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला है जांच का विषय है और मौत जिस पूरे विवाद का कारण राजिम पुलिस तलाश रही है और तीनों आरोपी की पत्थरसाजी और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जुट चुके हैं और तीनों आरोपी फिलहाल अभी फरार है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो फरार हैं तीनों आरोपी, वजह भी साफ नहीं हो पाई कि क्यों ये वारदात अंजाम दी गई, लेकिन पुलिस अभी जांच कर रही है। वही पेंड्रा में नॉनवेज बांटने वाले तीन लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जिला अस्पताल में 15 अगस्त को नॉनवेज बांटा गया, मरीजों और परिजनों को ये नॉनवेज खाना दिया गया। सीएमएचओ और हिंदू संगठन ने इसका हालांकि विरोध किया था और अब इस मामले में जिन लोगों ने ये बांटा था उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं रायपुर एम्स में ओपीडी सेवा बंद हो गई है। कोलकाता में जो घटनाक्रम हुआ, रेप हुआ डॉक्टर का और उसके बाद डॉक्टर की जान ले ली गई, जिसके बाद डॉक्टर्स में काफी गुस्सा है। इस घटना के बाद रायपुर एम्स में विरोध प्रदर्शन हुआ है और केंद्र से प्रोटेक्शन कानून लागू करने की मांग, डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन कानून बनाने की मांग की जा रही है इस विरोध प्रदर्शन। इधर कांकेर से खबर है, जहां पर कांकेर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी गई हैं और इसकी वजह से मरीज परेशान हो रहे हैं। एक तो जो वहां पे कोलकाता में हुआ आरजेकर मेडिकल कॉलेज में, तो हम उससे काफी डर गए हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डर गए हैं कि मतलब आगे जाके वो डॉक्टर बनने से भी डरेंगे, कि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं सब कि कैसे होगा आगे जाके अगर यही हाल रहा तो। हमेशा से कई वर्षों से डॉक्टर और नर्सों के साथ हिंसा होते आ रही है। हम कई बार विरोध प्रदर्शन करते हैं लेकिन हम सेवा भावना से कई बार चुप हो जाते हैं, ओपीडी बंद करते हैं, इमरजेंसी चालू रहती है, आज भी वैसा ही है। लेकिन अभी की जो घटना है वो सभी को स्तब्ध कर देता है। इससे बुरा क्या हो सकता है, एक महिला डॉक्टर जो 36 घंटे से ड्यूटी कर रही है उसके साथ उसी अस्पताल में रेप हो जाता है, फिर मर्डर हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा ये मुद्दा है कि इंसाफ चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच हो। वहीं रायपुर में कांग्रेस ने गौ सत्याग्रह किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता दरअसल गाय का मुखौटा पहनकर निकल पड़े और ये सत्याग्रह करते हुए नजर आए। दिखाते हैं आपको तस्वीरें। ये बड़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। दरअसल ये गौठान जो बनाए गए थे उसको बंद कर दिया गया है और इसके बाद जो गाय हैं उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है और इसीलिए ये प्रदर्शन किया गया। बिल्कुल, आज पूरे प्रदेश भर में गोवंश की सुरक्षा को लेकर
कांग्रेस पार्टी ने गौ सत्याग्रह का आयोजन किया है, जहां हर जिला मुख्यालय ब्लॉकों में किया जाएगा। ये गौवंश की हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब भी आती है लगातार हो रही है। उनके लिए सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको देख रेख के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे मवेशी सड़कों पर है, लगातार मौतें हो रही है, घटना दुर्घटनाएं हो रही है। देखिए, ये तो सरकार के निर्णय के ऊपर है। हमारी हर योजनाओं को बदले की भावना से सरकार बंद कर रही है, ये सरकार को निर्णय करना है। जो सड़कों पर गाय आई उसका कारण क्या है? सिर्फ सरकार की अव्यवस्था, सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। इधर कांकेर से खबर आपको बताते, गौठान योजना को बंद करने को लेकर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस ने यहां पर भी किया है। कांग्रेस का आरोप है कि गौठान बंद हो गया जिसकी वजह से मवेशी सड़कों पर बैठ रहे हैं, उनकी भी जान जा रही है, लोग भी परेशान हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट मार्ग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई। एक जो गौ हत्या हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा सरकार द्वारा। जितने गोठाने थे उसको बंद कर दिया जाए, उसके विरोध में हम लोग एक कर रहे हैं कि गोठान शुरू होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से खुले में मवेशी सड़क पे घूम रहे हैं और सरकार उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने से कतरा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल गाय के नाम से वोट मांगती है लेकिन उसके देख रेख और रखवाली के बारे में जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। इधर कोंडा गांव में भी कांग्रेस का गौ सत्याग्रह देखने को मिला। कांग्रेस कार्यालय से एसडीएम दफ्तर तक कार्यकर्ता पहुंचे थे, मवेशियों को साथ में लेकर। देख सकते हैं आप तस्वीरें, शहर की सड़कों से मवेशी लेकर पुलिस के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की झूमा झटकी भी हुई। दंतेवाड़ा में डॉक्टर्स ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला डॉक्टर्स ने अभद्रता के आरोप लगाए, विधायक पर आरोप लगाए गए और जिला अस्पताल में ओपीडी को बंद कर दिया गया। ओपीडी बंद होने से मरीज परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर्स का पैनल प्रदेश के गृह मंत्री से इस मामले में शिकायत कर चुका है। महिला कांग्रेस ने दंतेवाड़ा विधायक का यहां पर पुतला भी फूंका है। जो एक गलत है और हमारी महिलाएं कार्य कर रही हैं और महिलाओं से अभद्र व्यवहार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अगर इसके खिलाफ जितना होगा हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और ये करके महिला डॉक्टर को प्रताड़ित करने का हम पूरा जो जिला अस्पताल के पूरे डॉक्टर हम हाथ है ना हम तो। इधर बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली। सर्विस राइफल से थाना परिसर में ही खुद को हेड कांस्टेबल ने गोली मार ली। भैरमगढ़ अस्पताल ले जाते समय हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। भैरमगढ़ थाने में हेड कांस्टेबल तैनात था। बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने इसकी पुष्टि की। और वहीं जशपुर में बिजली गिरने से तीन महिलाओं की मौत हो गई। बिजली गिरने से कुल छह लोग झुलस गए थे जिसमें तीन महिलाओं की मौत हो गई जबकि तीन की हालत नाजुक बनी हुई है। खेत में ये लोग काम कर रहे थे, इसी दौरान गाज गिरी और घायलों को बथल गांव के सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गाज गिरने का मामला बलरामपुर से भी सामने आया, जहां पर बिजली गिरने की वजह से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की जान चली गई जबकि चार लोग झुलसे हुए हैं, इनमें भी एक की हालत गंभीर है। वाड्रफनगर सिविल अस्पताल में इन लोगों का इलाज किया जा रहा है। वाड्रफनगर के पंसरा गांव का यह पूरा मामला है। कांकेर में चिनाब नदी पर पुल नहीं होने से लोग परेशान हैं और तीन गांवों के लोग यहां पर पुल न होने की वजह से परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया यहां पर लकड़ी का पुल बना लिया है और बारिश के दिनों में इनको फिर भी परेशानी होती है। कई साल से पुल बनाने की मांग इन ग्रामीणों के द्वारा यहां पर की जा रही है। भानु प्रतापपुर विकास खंड के तोनका चलचुर और नीचे तोनका के गांव में ग्रामीण लकड़ी की पुलिया बना रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया है। पुण्यतिथि पर अटल बिहारी वाजपेयी को नमन उन्होंने किया और उन्होंने कहा है कि अटल जी हमारे राज्य निर्माता हैं, छत्तीसगढ़ वासियों का उनसे विशेष लगाव हमेशा से रहा है। और आइए अब देखते हैं खबरों का 2020।